नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद प्रजापत और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि हम देखने वाले हैं कि YouTube के ऊपर वीडियो कैसे अपलोड करें। YouTube पे वीडियो अपलोड करने के तो बहुत सारे आपको YouTube के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आपने जो मैं बताने जा रहा हूं अगर वीडियो को अपलोड उसी तरीके से किया तो आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर हमेशा के लिए गेन होते रहेंगे। आपको कम मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको ये अगर मेरे बताए हुए तरीके से आपने अगर वीडियो अपलोड किया तो आपके हमेशा व्यूज इंक्रीज होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल से बताने वाला हूं, हर एक चीज को बारीकी से बताने वाला हूं कि कैसे आप YouTube पर अपना वीडियो अपलोड करके आप ग्रो कर सको। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें YouTube से रिलेटेड कि YouTube पर ग्रो कैसे करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अपना कोई ब्राउजर ओपन करके उसके अंदर मैं अपना YouTube ओपन कर लूंगा। YouTube को ओपन करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, आपको चले जाना है YouTube स्टूडियो में। यहां पे कहां पे जाना है आपको, YouTube स्टूडियो के अंदर। आप डायरेक्ट अपलोड नहीं करें, आप यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ही जाकर के अपलोड करें। तो मैं क्या करता हूं, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर चला जाता हूं। ये देखिए, मेरा यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब यहां पे आपको जो ये एरो को निशान है, अप एरो का निशान है, यहां पे लिखा हुआ रहा है अपलोड वीडियोस, इस पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग करके आपने उसको एडिट करके जो भी आपने वीडियो को आपने तैयार किया है, उसको यहां से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल की तरह यहां से क्या करेंगे, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जहां भी डेस्टिनेशन पे आपका वीडियो है वहां से आपका वीडियो को आप चूज कर लेंगे। जहां पे भी आपका YouTube वीडियोस हैं आप वहां से चूज कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैंने जो भी मेरा YouTube वीडियो है मैं उसको क्या कर रहा हूं, यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां पे सेलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे पांच एलिमेंट दिखने को दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको डिटेल्स, वीडियो एलिमेंट, चेक्स और विजिबिलिटी। तो इनको एक एक करके अपन समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इनमें किनका क्या रोल है अपने वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए अपन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे एक एक पॉइंट आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वही बंदे यहाँ पे रुकेंगे जो YouTube के अंदर ग्रो होना चाहते हैं। बाकी तो बाकी ने छोड़ दिया होगा वीडियो अभी तक, तो इसलिए जो भी यहाँ पे रुके हुए हैं वो लास्ट में वो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए मैं और भी बातें बताऊंगा आपको आगे आगे, आप इस YouTube वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें देखो यहाँ पे आता है, सबसे पहले आपके डिटेल्स में फर्स्ट आता है टाइटल्स। आपका जो भी वीडियो है उसको वो प्रोसेसिंग पे यहाँ पे अपलोडिंग में चलता रहेगा, उसी के साथ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देना है टाइटल। अब टाइटल किस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे इसको आपको ध्यान रखना है। आपका टाइटल एकदम कैची टाइटल होना चाहिए, जो कि उसको देखते ही उस पर क्लिक किया जाए, इस प्रकार का आपका टाइटल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइटल जो क्या है, मेरा टाइटल है हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब इन 2023 ये रख देता हूं फर्स्ट, और एक मैं हिंदी में टाइप कर देता हूं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका 2023 ये डाल दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे 90 वर्ड्स तक का आप इसको यूज कर सकते हैं टाइटल के अंदर। तो इस प्रकार से आप एकदम कैची टाइटल बनाएं, जिससे कि उसको देखते ही उस पर क्लिक करें लोग। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन क्या क्या रखना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप ध्यान दें कि यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन आपके जो वीडियो है, जो आपका टाइटल आपने दिया है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब इन 2023। इस प्रकार से आप इसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जितना ज्यादा आप डिस्क्रिप्शन अच्छा देंगे उतना ही आपका वीडियो क्या होगा, अच्छा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे फिर आप आपके यूट्यूब चैनल के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप जो भी गैजेट्स यूज करते हैं उनकी लिंक्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं कि सर आप क्या क्या यूज करते हो, क्या क्या चीजों का इसमें ये करते हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं।
ये सारी चीजें मैंने ऐड कर रखी हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो अच्छे वीडियोस हैं वो भी आप इस डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। फिर आपके पास प्रमोशनल या फिर बिजनेस रिलेटेड अगर आपको प्रमोशंस के लिए कोई आए कॉल, तो उसके लिए आप यहाँ पे मेल वगैरह डाल सकते हैं जिसपे आपको प्रमोशनल मेल आ सके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका डिस्क्रिप्शन देना है, साथ ही आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको एड करना है आपके कुछ टैग्स, हैशटैग यहाँ पे आपको एड करना है। तो हैशटैग में रिकमेंड करूंगा कि आप 4 से 5 ही करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका चैनल लाइक स्पैम होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे डाल देता हूं YouTube, और सेकंड इससे जो भी आपका वीडियो है उससे रिलेटेड ही आप यहाँ पे हैशटैग लगाएं। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब और यूट्यूब वीडियोज वायरल वीडियो कर देता हूं और हैशटैग यूट्यूब वायरल वीडियो। इस तरह से मैंने 3 ये दे दिए हैं। मैं अधिकांश 3-4 ही लगाऊंगा क्योंकि इससे बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो आपका। फिर यहाँ पे बात करते हैं अपन थंबनेल की। तो थंबनेल भी आपका जितना अच्छा क्लिकेबल हो, क्लिकबेट नहीं हो, क्लिकेबल हो। याद रखिए क्लिकबेट क्या होता है कि जिसमें कि आपका थंबनेल कुछ और कहता है और आपका वीडियो कुछ और बताता है। तो इस प्रकार का वीडियो आप नहीं रखें, आप हमेशा क्लिकेबल ही रखें थंबनेल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थंबनेल मैंने जो बना रखा है वो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने अपना थंबनेल चूज कर लिया है, YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आप प्लेलिस्ट चूज कर सकते हैं कि आप प्लेलिस्ट किससे रिलेटेड है आपकी, जो भी है उस वो आप यहाँ पे, अगर आपकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई है तो यहाँ से आप न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ YouTube, और ये क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गई, YouTube मेरी प्लेलिस्ट आ गई है और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, डन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के अंदर जरूर अपना वीडियो ऐड करें। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑडियंस, यहाँ पे पूछा जाता है अधिक, और यहाँ पे क्या करते हैं अधिकतर बंदे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, यस इट्स मेड फॉर किड्स। तो ये क्या करते हैं, छोटे बच्चों के पास जाते हैं और छोटे बच्चे इनको देखते नहीं। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसको जो रेडियो बटन है इस पे रेडियो बटन पे चेक करना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अब नेक्स्ट आते हैं अपन पेड प्रमोशन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रमोशन अगर इंक्लूड करते हो आपके वीडियो के अंदर, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क करना होगा, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने देकर नहीं करते हैं आप तो प्रमोशंस। फिर आपको यहाँ पे आपके अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स और की मोमेंट यहाँ पे आप अलाउ कर दें। फिर आप अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप टैग्स की बात करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे आपको टैग देना जरूरी है, यहाँ पे आपको टैग्स लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे टैग्स आप क्या लगाएंगे वो भी आपका क्या होना चाहिए, जो आपने टाइटल दिया है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है और जो आपके वीडियो में आप जो बता रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके टैग्स होंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका यूट्यूब वीडियो क्या होगा, सर्च में आएगा। तो मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही मैंने टैग्स को vidIQ की मदद से मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रख लिए हैं एक नोटपैड के अंदर। तो मैं चलिए आपको वहां पे ले चलता हूं, ये मैंने पहले ही अपनी फाइल बना रखी है कि यहाँ पे मुझे कौन कौन से टैग्स लेने हैं। ये पहले ही काम आप करके रख लें तो उतना ही अच्छा होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा ये सारे टैग्स, ये जो मैंने पहले से ही इस वीडियो के लिए मैंने रख रखे थे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको 500 करेक्टर तक ही आप ये अलाउ करता है। तो यहाँ पे जो भी आप हैं इसको 500 करेक्टर तक ही रखें। तो मैंने यहाँ पे ये टैग लगा दिए हैं। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट जो आएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप आपके वीडियो का लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी ही सिलेक्ट रहने दूंगा, और यहाँ पे आप इसका सर्टिफिकेशन नहीं रहने दें। यहाँ पे आप आपकी रिकॉर्डिंग डेट चूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इसको करना। और यहाँ से अलाउ अमेंडिंग करें, जिससे कि आप किसी भी वेबसाइट पे आप इसको यूज कर सकें आपके YouTube इस वीडियो को। और यहाँ पे पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर, इसको भी आप चेक मार्क करें, इससे आपका जो भी सब्सक्राइबर है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है, आपकी जो भी वीडियो की कैटेगरी है वो यहाँ पे चूज करें। मेरी कैटेगरी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे सारी कैटेगरी आपको
दिखाई दे रही है तो आप वो चूज कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो मैं क्या करता हूँ चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप इस पे कमेंट के बारे में कि आप कमेंट अलाउ करते हैं, पोटेंशियली होल्ड करते हैं या डिसेबल करते हैं, आप इसकी जो इच्छा है वो इस पे कर सकते हैं। आप कमेंट को पोटेंशियली होल्ड या कर सकते हैं, जिससे कि आप देख के उसको क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो एलिमेंट की तरफ। यहाँ पे वीडियो एलिमेंट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको एक लगानी होगी एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन लगाने से यह है कि आपका जो वीडियो है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप बेस्ट व्यूअर और यहाँ पे सब्सक्राइब कोई भी आके आपके यहाँ पे चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लेगा या फिर बेस्ट जो आपको व्यूअर है जो वीडियो है उस पर आप यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा या इस पर क्लिक करके वो इस पर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एंड स्क्रीन चूज करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कार्ड्स भी ऐड करने हैं। यहाँ पे वीडियो के अंदर आप जहां जहां जो पॉइंट बोलते हैं और उससे रिलेटेड आपको कार्ड्स ऐड करने होते हैं, तो आप यहाँ से आप उन कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ मैंने अभी एक ही किया, आप जहां जहां जो पॉइंट है आप लगभग यहाँ पांच कार्ड आपको अलाउ करता है, आप यहाँ पे पांच कार्ड यूज करें पूरे। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अपन यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे ये नया फीचर है चेक्स, जहां पे ये आपको शो करता है कि आप यहाँ पे एड फ्रेंडली है या नहीं है, यानी कि आप जो वीडियो बनाया है इसमें कोई कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है। अगर कॉपीराइट कंटेंट होगा तो यहाँ पे आपके एड्स नहीं चलेंगे। तो ये एक नया फीचर है, अच्छा है। यहाँ पे देखिए नो इशू फाउंड है, तो ये खुद चेक कर लेता है यूट्यूब। अब नेक्स्ट करेंगे विजिबिलिटी के ऊपर। तो विजिबिलिटी में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है प्राइवेट, सेकंड है अनलिस्टेड और थर्ड है पब्लिक। तो फर्स्ट प्राइवेट करने पे ये क्या करेगा, अपन प्राइवेट कर देंगे तो इस यूट्यूब वीडियो को कोई और नहीं देख सकता है, सिर्फ अपने अलावा। अनलिस्टेड करने पे क्या होगा, आप तो इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। पब्लिक करने के ऊपर आपको क्या होगा कि डायरेक्टली अगर पब्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका नो ये जो है आपके सब्सक्राइबर के पास चला जाएगा ये वीडियो, और यूट्यूब के अंदर डायरेक्टली पब्लिक हो सकता है और इसको कोई भी देख सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली पब्लिक ना करें, इसको शेड्यूल करें। शेड्यूल करने के क्या है, आप इसको एक दो या तीन दिन, आप जब भी इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, जब भी इसको पब्लिश करना चाहते हैं उस डेट को, उस टाइम को इसको पब्लिश कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसकी एक नेक्स्ट डेट जो है वो चूज कर लूंगा, टाइम यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, जो भी टाइम मुझे इसको पब्लिश करना है। तो मैं पब्लिश का टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिकमेंडेड करूंगा कि आप जो टाइमिंग है वो टाइमिंग शाम का ही चूज करें, जिसपे क्या होता है सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं लगभग। तो ये सब मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं शेड्यूल पे। तो ये देखिए अपना वीडियो अपलोड हो गया है और ये शेड्यूल हो गया है आपके YouTube के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से हम YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वो कौन से तरीके थे, इसके अंदर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं, जिसमें हमने टेक, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और इसी प्रकार से एंड स्क्रीन, कार्ड्स, ये सारी बातें हमने इसके अंदर एक एक तरीके से, और ये सारी चीजें लगाना भी जरूरी है। अगर ये सारी चीजें लगाता है तो YouTube आपको आगे से आगे रिकमेंड करेगा, आपके YouTube वीडियो का जो वीडियो है वो आपके क्या आएगा, सर्च इंजन में आएगा, सर्च रिजल्ट में आएगा और YouTube भी इसको रिकमेंड करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, वीडियो लिंक है, इसको आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं और ये क्लोज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो को क्या कर सकते हैं, YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।